मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है. वेलकम टू आवर किचन. इन टुडेस वीडियो वी आर गोना मेक लौकी के पैनकेक्स. हिंदी में बोले तो लौकी का चीला और अगर हम इसे उड़िया में बोले तो लौ पिठा. लौ इज अ उड़िया वर्ड फॉर लौकी. जब भी हम लौकी वर्ड सुनते हैं हमको लगता है यो कौन खाए लौकी. आई हेट लौकी पर्सनली बट दिस इज अ उड़िया डिश विच आई लव. इट्स एन ऑथेंटिक उड़िया डिश. हम लोग ने थोड़ा सा मॉडर्न ट्विस्ट देके इसको आज आप लोगों के लिए बनाया है. बहुत ईजी है इसको बनाना. सिर्फ चार इंग्रीडियंट्स लगेंगे इसमें. तो टुडे इज मदर्स डे. हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग एंड हैप्पी मदर्स डे मॉम. सो कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी मैं आप लोगों के लिए. तो मेरे काफी सब्सक्राइबर्स को ये पता है दैट आई एम एन उड़िया गर्ल. माय पेरेंट्स आर फ्रॉम उड़ीसा. मैं उड़ीसा में पली बड़ी नहीं हूँ. मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पली बड़ी हूँ. मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है बट मेरे पेरेंट्स उड़ीसा से हैं. सो आई हैव लॉट ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज अटैच्ड टू दिस डिश. लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द कुक ऑफ दिस शो माई मॉम. मीट माई मदर माई देसी उड़िया मॉम मिसेस अनीता प्रमाणिक मंडल. हमें आपको कुछ कहना है मेरे सब्सक्राइबर्स को. तो हाय और ये आप लोग ट्राई कीजिए, इसकी मजा लीजिए. बाकी इसके बारे में तो चैनल सब बता दीजिए. ऑन दैट नोट एंजॉय दिस डिश विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. इस पैनकेक की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. इसको बनाना बहुत आसान है. जैसे कि मैंने आपको बताया चार इंग्रेडिएंट्स ही हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले हम लेंगे चार कटोरी चावल. ये छोटे दाने वाला व्हाइट राइस. इसको हम अच्छे से धो लेंगे साफ पानी में. उसके बाद हम साफ पानी लेके इसे भिगो के रखेंगे कुछ चार घंटों के लिए. चार घंटे बाद चावल कुछ इस तरह दिखेगा. हम उस चावल के पानी को फेंक देंगे. उसके बाद नया पानी लेके हम चावल को फिर से धोएंगे. अब हम चावल को पीसेंगे. उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडर और उसी में ही सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे. हम इसको दो बार में पीसेंगे क्योंकि ग्राइंडर छोटा है. आप चाहो तो तीन या चार बार में भी पीस सकते हो. सो हम करीबन तीन मुट्ठी चावल ग्राइंडर में ऐड कर रहे हैं. थोड़ा सा छानने के बाद उसको हाथ से ही, थोड़ा बहुत पानी चावल में रह गया है उसे रहने दो. हम एक मीडियम साइज़ का लौकी लेंगे चार कटोरी चावल के लिए. और ये है फ्रेश लौकी जो हमने एक दिन पहले ही मंगाया था. लौकी को अच्छे से धो के और छिल के काट के डाला गया है. उसके बाद हम ग्राइंडर में गुड़ ऐड करेंगे. चार कटोरी चावल और एक मीडियम साइज लौकी के लिए 8 चम्मच गुड़ काफ़ी है. काफ़ी मीठा कर देता है ये हमारे पैनकेक को. इसके बाद हम कीसा हुआ नारियल डालेंगे. ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है पैनकेक को. हमने स्टोर बॉट और घर का कीसा हुआ नारियल यूज़ किया है यहाँ पे. अब हम ग्राइंडर को 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे जब तक कि सारा का सारा इंग्रेडिएंट एक दूसरे से मिल नहीं जाता, मिक्स नहीं हो जाता. सो पहले हम लो स्पीड में चलाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम स्पीड बढ़ाएंगे. कंसिस्टेंसी इसकी एकदम पतली होनी चाहिए. अगर थिक लगे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो. पीसने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरह दिखेगा. क्योंकि हमने नारियल ऐड किया था इसमें इसलिए थोड़ा सा हल्का सा दरदरापन रहेगा इसमें. अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक. नमक ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे. अब हम शुरू करेंगे पैनकेक बनाना. सबसे पहले हमने गैस पे हाई हीट पे पैन रखा है. पैन को गर्म होने तक हम वेट करेंगे. उसके बाद हम उसको लो हीट पे डालने के बाद घी ऐड करेंगे. मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का ब्रश यूज़ किया है ताकि कम घी यूज़ हो और पूरा पैन अच्छे से कवर हो पाए. आप चाहो तो इसे नॉन स्टिक पैन पे भी बना सकते हो. उसके बाद हम धीमी आंच में ही बैटर को पैन में ऐड करेंगे. एक बार में एक छोटा चम्मच ही लेना है हमें. उसके बाद उसको थोड़ा सा फैला देना है, एक आकार देना है. हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है उसको. इसे धीरे धीरे ही फैलाना है. इस पैन में 3 छोटे छोटे पैनकेक आराम से बन जाते हैं. अब जैसे ही छोटे छोटे पैनकेक आप बना लो, आपको आपका आंच तेज़ करना है, हाई हीट पे करना है और हाई हीट पे ही इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है. 1 से 2 मिनट बाद हम इसे पलटेंगे. आप देख सकते हो इसमें हल्का सा गोल्डन कलर भी आया है, वही हमें चाहिए था. हम दूसरी साइड को भी करीबन 1/2 मिनट और पकाएंगे. उसके बाद हम उसे फिर से पलटेंगे. आप चाहो तो यहाँ पे घी ऐड कर सकते हो अपने पैनकेक के ऊपर, कहीं कहीं पे बैटर अगर आपको सफ़ेद दिखाई दे. माँ ने यहाँ पे जो भी सिलिकॉन के ब्रश में थोड़ा बहुत घी रह गया था उसे ही पैनकेक के ऊपर लगाया है. अभी आप घी लगा रहे होगे अपने पैनकेक में, आप धीमी आँच पे ही लगाएं. फिर हम इसे हाई हीट यानी कि तेज़ आँच पे फिर से कुछ 1/2 मिनट पकाएंगे. अब हमारा पैनकेक हो चुका है रेडी.
सो बस अब हम करेंगे इसे सर्व। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा हरा सा भी दिख रहा है। बहुत ही यमी डिश है ये, मुझे काफ़ी पसंद है ये। माँ बता रही थी कि इसे खीर के साथ खाया जाता है, बट मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है। कभी कभार मैं इसे डिफरेंट फ्रूट्स के साथ खाना पसंद करती हूँ, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया। और खूबसूरत और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए हमने ऐड किया है ऊपर से घर का बना हुआ मलाई। अगर आप इसको मॉडरेशन में खाओगे तो ये एक हेल्दी डिश है, और हाँ बहुत टेस्टी भी। अब मैं आपको एक खास टिप देती हूँ जो कि मुझे मेरी माँ ने ही बताया था, और ये बहुत ही ज़रूरी टिप है। नया बैटर पकाने से पहले अपने पैन में अपने बैटर में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से मिला लीजिएगा, क्योंकि जो चावल है हल्का हल्का सा फूलना शुरू हो जाता है तो बैटर थिक होना शुरू हो जाता है। आपको बैटर को पतला ही रखना है। वीडियो फॉर टुडे, आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल। और अगर आप ये डिश अपने घर पे अपने पेरेंट्स के लिए या खुद के लिए बनाओगे, देन डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज shalini0792। ऐसे और उड़िया डिश अगर आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस ऑन माई चैनल। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड बाय। आई एम गोना एंजॉय दिस।